हेलो गाइस, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं हेक्टेक चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ सैमसंग का नया A50 का फुल रिव्यू इन डिटेल। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डिजाइन पे। तो गाइस, बहुत ही कमाल का डिजाइन हमें देखने मिल जाता है इस फोन के अंदर। बहुत ही कमाल और ग्लॉसी फिनिश हमें देखने मिल जाते हैं। सैमसंग ने इस बार बहुत ही फैंटेसी कलर रखा हुआ है, बहुत ही फैंसी कलर रखा हुआ है, जो हाथ में बहुत ही कमाल का दिखता है। तो गाइस, थोड़ी सी कमियां निकलना चाहूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें देखने मिल जाते हैं पॉलीकार्बोनेट जो एक प्लास्टिक है, जल्दी से स्क्रैचेस आ सकते हैं इसके अंदर। और गाइस, इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है ब्लू और ब्लैक कलर का वेरिएंट भी देखने मिल जाता है। और गाइस, हमें राइट में देखने मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और एक पावर बटन। और हमें देखने नीचे मिल जाते हैं स्पीकर, जो बहुत ही कमाल के स्पीकर है, बहुत ही लाउड है और बहुत ही कमाल का इसका आउटपुट आता है। गाइस, मुझे तो पर्सनली बहुत ही सैमसंग के स्पीकर पसंद आया इस बार। और हमें देखने मिल जाता है हेडफोन जैक, 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने मिल जाता है, और विद यूएसबी टाइप सी केबल भी। तो गाइस, इसकी डिस्प्ले पे तो गाइस हमें देखने मिल जाती है 6.3 inch की फुल HD+ डिस्प्ले, जो बहुत ही कमाल की डिस्प्ले हमें देखने मिल जाती है। और दोस्तों, हमें इसके ऊपर देखने मिल जाता है एक ड्यू ड्रॉप नॉच, सैमसंग इसे कहता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जो बहुत ही कमाल का देखने हमें मिल जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो गाइस, इस फोन के अंदर है Zynox 9610 प्रोसेसर, जो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है गाइस। और इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस PUBG की HDR ग्राफिक्स पे हमें देखने मिल जाता है विथ फ्रेम रेट्स अल्ट्रा पे। तो गाइस, ये प्रोसेसर इक्विवेलेंट है स्नैपड्रैगन का 660 और मीडियाटेक हीलियो का P70। तो गाइस, इसका एंटीरियर बेंचमार्क जो आया था वो 1,40,000 के आसपास है, और मीडियाटेक हीलियो P70 का भी कुछ 1,40,000 के आसपास ही है। तो गाइस, इसके अंदर परफॉर्मेंस तो बहुत ही धासु और बहुत ही कमाल की लगी मुझे। इसके अंदर लैग तो बिल्कुल नहीं दिखे, लेकिन थोड़े बहुत छोटे मोटे फ्रेम ड्रॉप्स जरूर दिखे। और गाइस, इसके रैम मैनेजमेंट तो बहुत ही कमाल की देखने मिली है मुझे। जैसे कि मैं थोड़े बहुत एप्स फटाफट चालू करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने मल्टीटास्किंग में डाल दिया। बहुत ही कमाल के रैम मैनेजमेंट हमें इसके अंदर देखने मिल जाती है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है इसकी UI, जो One UI सैमसंग ने इस फोन में डाली है, मतलब सैमसंग के हर एक फोन में डाली है, जो बहुत ही कमाल बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। स्टॉक एंड्रॉइड से ज्यादा तो मुझे One UI बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। लेकिन गाइस, मुझे ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की दिखी, आपको भी कमाल की लगेगी, क्योंकि इसके अंदर 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर विद टाइप सी केबल हमें देखने मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का काम करता है फास्ट चार्जिंग। 15 वोल्ट तो भी ठीक है फास्ट चार्जिंग के लिए, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस, हमें देखने मिल जाती है इसके अंदर 4100 की बैटरी, जो बहुत ही बड़ी बैटरी होती है। सैमसंग ने इस बार बहुत ही बड़ी बैटरी प्रोवाइड की है इसके अंदर, बहुत ही सफिशियंट बैटरी। पहले मुझे थोड़ा बहुत बैटरी एफिशिएंसी लगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमाल का बैटरी परफॉर्मेंस मुझे देखने मिला है। तो गाइस, आ जाती है इसके कैमरा पे। तो गाइस, हमें देखने मिल जाता है ट्रिपल रेयर कैमरा, और फ्रंट में हमें देखने मिल जाता है एक सिंगल कैमरा। तो गाइस, आ जाती है ट्रिपल रेयर कैमरा पे। तो गाइस, हमें देखने मिल जाता है 25 MP का कैमरा विथ F1.7 एपरेचर, विथ 5 MP का कैमरा हमें देखने मिल जाता है विथ F2.2 एपरेचर के साथ, और 8 MP का कैमरा देखने मिल जाता है F2.2 एपरेचर के साथ। तो गाइस, इसके अंदर हमें प्राइमरी सेंसर देखने मिल जाता है, वाइड एंगल सेंसर देखने मिल जाता है, और एक टेलीफोटो सेंसर देखने मिल जाता है। और गाइस, हमें बहुत ही शार्प इमेज देखने मिल जाती है। इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही कमाल का बना के रखा हुआ है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही कमाल का लगा है इसका ट्रिपल रेयर कैमरा। और दोस्तों, देख लेते हैं इसका वाइड एंगल कैमरा, तो बहुत ही कमाल का हमें देखने मिल जाता है। इधर बहुत ही ज्यादा वाइड हमें एंगल देखने मिल जाते हैं, हम बहुत ही ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं इस फोन के अंदर। और गाइस, हमें रेयर कैमरा में बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने मिल जाते हैं, लाइव फोकस, प्रो मोड, और बहुत ही अलग अलग फंक्शन हमें देखने मिल जाता है इसके अंदर। और गाइस, ये बहुत ही कमाल का मुझे कैमरा लगा, अभी वीडियो शूटिंग पे आ जाते हैं अभी। तो गाइस, आ जाते हैं इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा पे। तो गाइस, हमें देखने मिल जाता है 25 MP का सेल्फी कैमरा, जो बहुत ही कमाल का कलर मेंटेन कर देता है। और नाइट में तो थोड़ा बहुत मुझे नॉइज देखने मिली, लेकिन तो भी बहुत ही कमाल की सैचुरेशन हमें देखने मिल जाती है, और बहुत ही कमाल की शार्पनेस हमें इसके अंदर देखने मिल जाती है। क्यों पता नहीं,
इसका बैकग्राउंड ब्लर इतना खास नहीं है, लेकिन नॉर्मल इमेजेस और नॉर्मल फोटोज मुझे बहुत ही कमाल के देखने मिली है। और गाइस हमें देखने मिल जाएगा इसके अंदर ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर, जो बहुत ही कमाल का काम करता है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इस बार सैमसंग ने हमें दे दिया है 20,000 के बजट के अंदर, जो बहुत ही कमाल का हमें देखने मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 1 सेकंड का डिले जरूर है, ये थोड़ा बहुत स्लो काम करता है, लेकिन शायद से OTA अपडेट से ये फिक्स हो सकता है। तो गाइस आप सैमसंग के फैन हो और आपको सैमसंग के मोबाइल्स परचेस करना बहुत ही पसंद है, तो गाइस मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सैमसंग A50 लेना, तो बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।